नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता संजीव प्रसाद ने खबर दी है कि लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत पालही ग्राम में कुआं में गिरने के कारण एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। इस दर्दनाक हादसे में सीमोन टोप्पो 47 वर्ष, अनूप टोप्पो 22 वर्ष और असीम टोप्पो 15 वर्ष की मौत कुएं में गिरने के कारण हो गई। इनके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी। सीमोन टोप्पो के परिवार को इस दुख की घड़ी में मदद और सहानुभूति की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि इनकी मदद के लिए यथोचित कदम उठाए। विदित हो कि ये दिनांक 11 मार्च दिन बृहस्पतिवार को अपने खेत का सिंचाई करने के लिए कुएं में मशीन उतार कर सिंचाई कर रहे थे। मशीन से निकला धुआं कुआं के अंदर जहरीला गैस बन गया, जिसका इन्हें भान नहीं और ये बारी बारी से मशीन निकालने के लिए कुएं के अंदर गए, जहां उनकी मौत हो गई। बाद में ग्रामीणों ने तीनों के शव को झागर लगाकर कुआं से बाहर निकाला। कैसे हुआ ये? हुआ मतलब मशीन उतारा था, अब मशीन उतारा था कि स्टार्ट नहीं हुआ कि क्या हुआ कि मतलब पहले से स्टार्ट था, लेकिन हमको लगता है तभी ने धुआं मतलब इनको बेहोश कर दिया। कोई नीचे ही मतलब बेहोश हो गया। पहला लड़का उतरा होगा, बाद में मतलब सीमोन उतरा होगा, दोनों के दोनों मतलब अच्छी हो गया। अनूप तो निकालने के चक्कर में मतलब वो बेहोश हो गया। ये सब वहाँ पानी पटा रहा था खेत में? हाँ, पानी पटा रहा था। अच्छा अच्छा, कब हुआ ये सब घटना? लगभग 11 बजे। कैसे निकाला गया सबको? ये सबको झागर से निकाला गया, कोई तो घुसा नहीं, सब डर के मारे। अनूप जब बेहोश हो गया ना, तब जाकर के उन लोग मतलब डर गया और झागर का झागर से मतलब रस्सी से मतलब निकाला गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चायरस टोप्पो। है ना, मिलेगा कि नहीं?